अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब कोई इंसान आपको नज़रअंदाज करेगा या करेगी तो आप क्या करेंगे? या आप किसी बच्चे की तरह उसके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे या किसी समझदार इंसान की तरह उसकी अना को ज़ाया कर देंगे? जब कोई इंसान आपको छोड़ता है और आप उसके सामने गिड़गिड़ाएं तो वो ये समझने लगता है कि आपके लिए वो बहुत अहम है और इस तरह उसके नखरे मज़ीद बढ़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप अपने इज्जत और वक़ार ज़ाया किए बगैर उस इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेंगे। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नंबर वन, अपनी वैल्यू बनाएं। जब कोई इंसान आपको इग्नोर करे तो उसको आप भी उसी तरह ही इग्नोर करें और उसको ये शो कराएं कि उसके जाने से आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो ये बात ज़रूर सोचेंगे कि इस इंसान के अंदर ऐसा क्या है कि मैं इसे छोड़ रहा हूँ और उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर वो आपके बारे में दिलचस्पी लेने लगेंगे। नंबर दो, उनके रवैये की तमाम मुमकिन वजूहात पर गौर करें। जब भी कोई इंसान आपको इग्नोर करे तो उसको इग्नोर करने की वजूहात नोट करें। हो सकता है कि आपके किसी रवैये की वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा हो या आपने ही कोई ऐसी बात की हो जिससे अगला इंसान हर्ट हुआ हो और उसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत या आपको अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत हो, क्योंकि कुछ लोगों को किसी से शिकायत करने के बजाय खामोश रहकर अपना हक मांगने की आदत होती है। नंबर तीन, उन्हें वक्त और जगह दें। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसको कुछ वक्त और जगह दें। हो सकता है कि उसके अपने कुछ मसाइल चल रहे हों जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर वो आपके साथ मज़ीद ना चलना चाह रहा हो और वो भी नहीं समझ आ रहा, इसलिए आप इसको कुछ वक्त के लिए तन्हा छोड़ेंगे तो वो अगर आप में इंटरेस्टेड हुआ तो वापस आ जाएगा। नंबर चार, अपने जज्बात पर काबू रखें, उन्हें अपने काबू में ना आने दें। जब भी आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े कि जिसमें अगला इंसान आपको इग्नोर कर रहा हो, तो कोशिश करें कि अपने जज्बात को काबू में रखें और अगले इंसान को ये बात कभी भी शो ना करवाएं कि उसके इग्नोर करने से आप परेशान हैं, और कोशिश करें कि अपने जज्बात को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आपके जज्बात आपके ऊपर हावी हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। नंबर पाँच, अपने आप पर तवज्जो मरकूज़ करें। कोशिश करें अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत पर तवज्जो दें। हो सकता है कि जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है आपने खुद पर तवज्जो देना कम कर दी हो और आपने अपनी हालत ऐसी बना ली हो कि अगर इंसान आपको इग्नोर करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि शुरू शुरू में इंसान किसी को मुतासर करने के लिए खुद को अप टू डेट रखता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान अपने आप पर तवज्जो देना कम कर देता है। नंबर सिक्स, उन्हें बताएं कि उनका रवैया आपको तकलीफ देता है। जो शख्स आपको इग्नोर कर रहा है उसको 24 घंटे कॉल और मैसेज न करें, लेकिन उन्हें ये बात ज़रूर बताएं कि उनका रवैया आपको परेशान कर रहा है। उनके साथ बैठकर अपने मामला हल करें और उनसे पूछें कि ऐसी क्या वजह है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। नंबर सात, अगर इसमें कोई तरीका काम नहीं करता तो रिश्ता ख़त्म कर दें। अगर उन छह तरीकों में से कोई भी काम नहीं करता और जिस इंसान के लिए आप दोस्ती या रोमांस या ऐसे जज्बात रखते हैं, तो उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल करें, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ वक्त के बाद आपका दिल भी ऐसे इंसान को भूल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।